मैं राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा, मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है, परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है, दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है। नहीं, वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई, जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है, उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार माननी है, हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दें, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है, परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है इस चुनावों के अंदर। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको, इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किरण चौधरी के रूप में हमें यहाँ प्रत्याशी दिया और एक तरफा जीत, हमारी ये सबसे बड़ी पहली जीत इस चुनाव के अंदर ये हमारी है। मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विधानसभा चुनाव अभी घोषित है सर, ऐसे में यहाँ राज्यसभा में जीतना आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उत्साह बढ़ाएगा और विधानसभा का असर? बिल्कुल, मैंने कहा है ना, जो लोग कांग्रेस के दिन रात ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, आज वो शीशा कांग्रेस को भी दिखाई दिया है और भी विपक्षी दलों को ये शीशा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि सरकार अल्पमत में नहीं थी, सरकार बहुमत में थी, कांग्रेस अल्पमत में है और कांग्रेस आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं, इसका बड़ा असर हमारे इस विधानसभा के चुनाव के ऊपर पड़ेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है सर, आपके साथ सहयोगी थे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई, आज उनका जननायक जनता पार्टी का और एक और पार्टी का गठबंधन पार्टी के साथ, क्या सर कोई विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती आप मानते हैं? देखिए, हम तो चुनौती किसी चीज को नहीं मान रहे, हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है। आज हरियाणा प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद, जन जन का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं प्रणाम करता हूँ हरियाणा की जनता को और मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूँ
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएगी। और मेरी सभी से ये अपील भी है हरियाणा की जागरूक जनता से कि आप अपना वोट कमल के फूल को दें। जिस प्रकार से किरण चौधरी एक तरफा जीती है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। कांग्रेस, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ सवाल किए थे कांग्रेस के नेताओं से, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किया कुछ नहीं। अगर कुछ किया होता तो कहीं ना कहीं कोई जवाब आता। मैं किरण चौधरी जी को आज इस जीत के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं देखिए, क्योंकि हर सोच की बात होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित के अंदर मजबूत काम कर रही है। मेरे किसान का सम्मान बढ़े, मेरे किसान को लाभकारी मूल्य मिले, मेरा किसान मजबूत हो, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी की है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जब हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात के कारण किसान के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वो खर्चे ज़्यादा ना हो, हमने तुरंत निर्णय किया कि किसान के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने एक झटके में 525 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचा दिया और लगातार जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उनके खाते में हम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक साल के अंदर 6000 रुपये, 4 महीने के बाद 2000 रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों को, जो 20 लाख परिवार हैं किसानों के, उनको 5670 करोड़ के लगभग पैसा 17 किस्तों के माध्यम से किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये सोच है हमारी सरकार की कि मेरा किसान मजबूत सशक्त हो और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो चुनाव आयोग का विषय है, मैंने ये पहले भी कहा था, डरी हुई तो कांग्रेस है। कांग्रेस, मैंने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी विजय का दिन है, हमने बड़ी विजय प्राप्त की है। हमारे कांग्रेस से हमने वो सीट को छीना है, छीनना ये तो सब जानते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा वो राज्यसभा में था, वो सीट हमने कांग्रेस से छीनी है, हमारी विजय हुई है। और पहली बार है हरियाणा के अंदर सारी राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। ये हमारे एक मिनट ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आने वाले विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जो मन बनाया है हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कि यहाँ से तीसरी बार सरकार बनेगी, जो आपने चुनाव आयोग की बात कही है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा, उन्होंने कहा उनकी सोच थी, उनको चिंता भी थी माननीय अध्यक्ष जी को कि कई छुट्टियां हैं, शनिवार की 29 तारीख की छुट्टी है, 30 तारीख को संडे या छुट्टी है, 1 तारीख को चुनाव है छुट्टी है, 2 तारीख को गांधी जयंती है छुट्टी है, तो लगातार छुट्टियां हैं 30 और 31 ये 5 दिन का कोई एक अद्धी छुट्टी इसके अंदर ऐड करके कोई टूर बना लेता है एक हफ्ते का, हाँ बाहर चला जाता है। ये चिंता
नहीं, एक तारीख को चुनाव है और छुट्टी ले लेता है, लंबी छुट्टी पे चला जाता है, तो ये चिंता अगर किसी ने की है, ये हमारे अध्यक्ष जी ने, मोहनलाल कौशिक जी ने की है। कांग्रेस को तो ये चिंता है कि ज्यादा वोट ना हो, वो तो ये चिंता में है लगी हुई भी, अगर ज्यादा वोट होगी हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो कांग्रेस का हारने का मार्जिन है वो बड़ा बढ़ जाएगा। इस चिंता के कारण कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, कोई और दिक्कत नहीं है उसको, भी चुनाव कब होगा कब नहीं होगा ये दिक्कत नहीं है। आपको अगर चुनाव आयोग जो अब डेट देगा, आज बैठक थी चुनाव आयोग की, उन्होंने बैठक समाप्त की और कह रहे पीसी के माध्यम से वो बताने वाले हैं कौन सी डेट आएगी, परंतु अभी तो हमारे ध्यान में 4 अक्टूबर है, 1 मिनट, 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो क्या मंथन चल रहा है, कब तक सूची जारी हो जाएगी और क्या सोशल इंजीनियरिंग चल रही है? लगातार जो कांग्रेस है वो सोशल इंजीनियर के सारे जो है अपने जीत का दावा कर रही है। जो ही लिस्ट जारी होगी ना, अंदर बैठे बैठे सबसे पहले आपको भेज दूंगा। क्या नहीं, हमारे पास तो कोई चर्चा नहीं है, अभी हमने पैनल बनाया है और पैनल के अंदर हमारे पास, क्योंकि हमें 2 दिन लगे हैं, हमारी चुनाव संचालन समिति को 2 दिन के अंदर हम 90 सीटों के ऊपर पैनल बनाने में लगे, इतने हर विधानसभा के ऊपर हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया है, इतनी संख्या में किया। वन फैमिली वन टिकट का जो कांग्रेस लागू कर रहे हैं, बहुत सारे स्थापित लीडर्स हैं जिनके बच्चे जो है टिकट मांग रहे हैं, मैडम आपके साथ खड़े हैं, इनकी बेटी है, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। नहीं, ये कहां से आया आपके पास विषय? कौन से? नहीं नहीं, सीएम साहब कोई आंकड़ा? देखिए देखिए, भारतीय पार्लियामेंट रह चुकी है, 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर बोलते हैं वो परिवारवाद के ऊपर बोलते हैं। परिवारवाद कहाँ है आप बताइए? परिवारवाद कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस खत्म हो ली, परंतु खत्म होती होती भी ये कहा जी राहुल को प्रधानमंत्री बनाए दो, उससे बाहर नहीं सोच रहे भाई, हम थोड़ी रोक रहे हैं, देश के सामने हैं, क्या काम किया है 55 साल सत्ता के अंदर रहे हैं, अरे 55 साल के अंदर भी गरीब व्यक्ति को गरीब कर दिया, किसान की हालत खस्ता कर दी और महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, आपके सामने है, युवाओं को इस्तेमाल कर लिया, ये कांग्रेस ने ही किया है, और जब युवाओं को इस्तेमाल कर लिया और महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, गरीब को और गरीब कर दिया, किसान को शोषण कर दिया, तो फिर कहाँ वोट देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस की तो हालत खराब है। को लेकर जो है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यूपीएस जो है वो लागू किया जाएगा जिस तर्ज पर जो है वो सेंटर में, इसको ऊपर अलग से बात करेंगे। मैं किरण चौधरी जी से भी आप पूछ लीजिए सवाल, मेरा अंतिम सवाल आपसे, हालांकि सवाल में सवाल है, दो सवाल अलग अलग है, बाद में पूछ लीजिए। आपने पैनल के लिए कहा कि आपका नाम भी क्या लाडवा से पैनल के अंदर है, अगर आप बता सके तो, क्योंकि अध्यक्ष जी भी यहाँ पर है, एक सवाल ये अध्यक्ष जी बताएंगे, मेरे को नहीं पता, ये भारतीय जनता, मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है, खूबसूरती ये है, अगर किसी प्रत्याशी का नाम, चाहे वो अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर है, अगर उसका नाम डिस्कस के लिए आता है तो उसको उठ करके बाहर जाना पड़ता है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि बिना भेदभाव के वो चर्चा होती है, तो ये तो अध्यक्ष जी बता सकते हैं। इसके अलावा सर दूसरा एक नैरेटिव बन रहा है, दूसरा नैरेटिव ये है कि भाजपा जो है जीत तो जाए, लेकिन जो चार, जब हम इंजीनियर्स जो इस तरीके के या सर्वे करते हैं उनसे बात करते हैं, उनका ये कहना होता है कि जाट, सिख, मुस्लिम, दलित और किसान, ये बड़े फैक्टर हैं जो भाजपा के साथ नहीं है। आप मानते हैं कि ये फैक्टर जो गिनवाए जा रहे हैं इनको लेकर के कोई भाजपा को चुनौती? एक भी फैक्टर नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, कल मेरी तोसान के अंदर रैली थी, जाट समाज ने खुल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके, जाट समाज ने ये कहा है
हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हुड्डा ने शोषण किया है, जाट का क्या शोषण नहीं किया, जाट का भी शोषण किया। नैरेटिव सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाट वोट नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जाट वोट दे रहा है बीजेपी को। अरे जाट देशभक्त कौम है, वह देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते, और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, वो लगे हुए हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ जाट समाज और ये एससी समाज का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। एससी समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ वोट देने वाला है। और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भाई मुस्लिम भी वोट देगा, चलो कहीं दिखते हैं होती हैं उनको, क्या दिखते हैं हमें नहीं मालूम है। नरेंद्र मोदी जी तो जो योजना बनाते हैं वो देश के 180 करोड़ लोगों के लिए बनाते हैं, वो उसके अंदर ये भेदभाव नहीं करते कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, ये कोई भेदभाव नहीं करते। परंतु भेदभाव खड़ा करने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम तो करती है, परंतु जात के अंदर जात को भी बढ़ावा देने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तभी तो बोलता हूँ कि आप विकास की बात करिए, 60 साल आपने शासन किया है, राहुल गांधी को अगर संविधान की कॉपी उठा करके लोगों के बीच में कहना पड़े कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान को ख़त्म कर देगा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जितनी भी इसकी वो की जाए निंदा उतनी कम है जितनी इसकी निंदा की जाए। अरे मोदी ने तो संविधान के अनुरूप देश को चलाया। मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हाँ जी, मेरे को बोलने दो आज तो बोलने दो आज जो पूरी तरह से जो जीत हुई है, मैं ये जीत जो है भाजपा की मानती हूं, और अपना शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और नड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे जो है हमारे अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं बडोली जी, पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत भाजपा की जीत है, और ये जीत वो जीत है जो आने वाले समय में आपको दिखाएगी कि भाजपा पूर्ण बहुमत से, जैसे सीएम साहब ने बताया, पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर लेकर आएगी। और वो इसलिए लेकर आएगी क्योंकि भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा की नीति है, भाजपा की ईमानदारी है, और भाजपा का संगठन है, और भाजपा के अंदर वो क्षमता है लोगों के अंदर का, लोगों के लिए काम करने के लिए, जनहित का काम करने के लिए। और बाकी जो है आप सब जानते हैं, मैं तो उधर रही हुई हूँ, हमेशा मैंने देखा है नौटंकीबाजी करते हैं, नौटंकियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अभी भी जो है जब चुनाव अल्पमत की बात जब कर रहे थे सीएम साहब, तो मुझे यह ध्यान में आया कि अल्पमत कर रहे थे, और कभी जा रहे हैं ये राज्यपाल के पास जा रहे हैं, वहाँ पर दे रहे हैं चिट्ठी, कहीं और कुछ दे रहे हैं कि हम जो है सरकार को गिरा देंगे। लोगों को गुमराह करने की जो बात है वो हुड्डा साहब और उनके जो क्रोनीज हैं वो सारे के सारे करते हैं। सत्य ये है कि अगर जो है ऐसी बात थी तो ये विधानसभा के अंदर जो है क्यों नहीं लेकर आए, वो तो इनके अंदर हिम्मत ही नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मुँह की खानी थी, तो केवल इसलिए जो है कि गुमराह करे जाओ, हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे। अरे जो है जब विधानसभा के अंदर जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसके ऊपर जो है वोटिंग ही नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े नौटंकीकार जो हैं ये सारे के सारे लोग हैं। सबके सामने ये बात हुई हुई है, और आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल सत्य है, ये जो बात कही गई कि एक जो है कोई भी कास्ट या विशेष तौर से किसी का जो है वो नहीं देगी, ये नहीं देगी, ये बिल्कुल झूठ बात है। कल उसका प्रमाण जो है सीएम साहब ने खुद देखा, तो शाम के अंदर देखा, उससे पहले आगे देखा। और सत्य ये है कि आज के दिन जो है जो जो काम जो सरकार ने करे हैं भाजपा सरकार ने, वो ऐतिहासिक काम है। मैं तो एक फौजी की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि अग्निवीर की भी जो बात कही गई है कि उनको पूरी तरह से आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो है अब एक लॉ जगी है बच्चों के अंदर कि हमारे को नौकरियां मिलेंगी,
बिना खर्ची पर्ची के जो है बच्चे जो है नौकरियां लग रहे हैं। इसी तरह से हमारे किसान भाई जो आंदोलन के ऊपर उतरे हुए थे, जिनको उकसाया जा रहा था, जिनको उंगली लगा लगा के दीपेंद्र हुड्डा जो है आगे बढ़ा रहे, वो जो है उकसाने का काम करते थे। हमारे जो ये जो है खिलाड़ी हैं उनको भी जो है जब वहाँ पर बिठाया गया था ये जंतर मंतर पे, तो उंगली लगा लगा के करा गया था सारा कुछ, दीपेंद्र हुड्डा का काम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जानते हैं कि ये सब कुछ खो चुके हैं। केवल ये कांग्रेस का तो नाम निशान अब रहा नहीं, बाप बेटा, बाप बेटा। और जो इनका अभी कह रहे हैं कि सर्वे के मुताबिक जो है, क्योंकि इन्होंने एक एक हलके के अंदर 16-16 20-20 कहीं कहीं 50-50 जो हैं कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, वहाँ पर जो है आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में बाकी सारे किस तरह से सफाया और कटाया होगा। क्योंकि ये षड्यंत्र जो है ये कांग्रेस का जो है ये डीएनए के अंदर है, इनके डीएनए में, ये बाप बेटे के डीएनए में। और अभी जो मुझे पता चला है कि अब ये कहा जा रहा है कि हम सर्वे के मुताबिक सीट देंगे, सत्य ये है कि बाप कुछ कह रहे हैं, बेटा जो है सर्वे वालों को कह रहा है भाई मैं तुम्हारे को अलग से जो लिस्ट दूंगा उसके अंदर सर्वे का नाम आना चाहिए, सर्वे वाले ये बात बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये नौटंकीबाज हैं, केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए रोज रात को बाबू और बेटा जो है सोते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इनको हरियाणा से कोई साहूकार नहीं है, जनता का हित का कोई साहूकार नहीं है। 10 साल में हमने देखा कांग्रेस की जब सरकार इन्होंने चलाई, केवल और केवल गरीब किसान को लूटा और कुछ नहीं करा। हर एक का जो है ज़मीनें खरीद के होने पौने दामों में बड़े बड़े साहूकारों को इन्होंने बेची। और जो है ये सरकार जो कांग्रेस की उस समय थी, मैं भी जिसका हिस्सा था, शर्म आती थी मुझे जब ये लोग कहा करते थे आपकी सरकार जो है कांग्रेस की मत बोलो, सीएलयू सरकार बोलो, सीएलयू सरकार, ये बात कहा करते थे, आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये जो है आज जो है पूरी तरह से निर्विरोध जो मेरे मुझे जो है मैं आज चुनकर आई हूँ, मैं दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, बाबू बेटा के पास, और इनके पास कोई कुछ रह नहीं गया। अब ये वो कहते हैं ना आखिरी सांस, वेंटिलेटर जो है उसके ऊपर जो है ये जी रहे हैं। और किसी तरह से कि भाई हमारे हम किसी तरह से कामयाब हो जाएं कि जो तलवारें हमारे सिर पे लटकी हुई हैं वो जो है तलवारें हम ख़त्म कर सकें। ये लोगों के लिए कोई काम इनके लिए नहीं है। और हमने बिल्कुल साबित करके दिखाया नायब सिंह सैनी जी ने आने के बाद, जो जनहित के इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, इतने बड़े बड़े, चाहे कर्मचारियों के लिए हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे नौजवान बच्चों के लिए हो, अंत्योदया का जो है आखिरी छोर तक जो हमारा बच्चा है उस तक फायदा पहुंचे, ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी। ये सौभाग्य की बात है कि भाजपा जो है अब यहाँ पे नेतृत्व करेगी और पूरे पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले समय में लोगों को समझ आ गई है कि ये केवल षड्यंत्रकारी हैं, केवल जो है नौटंकीबाज हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आपस में लड़ झगड़ के, आपस में जो है कटाई पिटाई करके ये जो है वहीं पे वहीं रह जाएंगे। कांग्रेस इज नोन फॉर स्कोरिंग सेल्फ गोल्स, आप जानते हो सेल्फ गोल स्कोर करते हैं और वही आने वाले समय में ये करेंगे। मैम कल आपने एक आरोप भी लगाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम और विवानी के साथ पाकिस्तान जैसा सलूक जो है व्यवहार जो है वो किया। मेरा आरोप नहीं है ये खाली, वहाँ पे कोई पत्रकार भाई थे वो सबसे पूछ रहे थे, तो मैंने वो आज देख रही थी मैं टेलीविज़न के ऊपर, सारे लोग एक ही बात कह रहे थे कि हमारे को तो पाकिस्तान जो है की तरह ट्रीट करा गया। सत्ता के अंदर हम थे, मंत्री मैं थी, लेकिन विपक्ष के अंदर जैसे बैठी हूँ, लड़ाई कर झगड़ झगड़ के हमने अपना काम करवाया। वो तो श्रुति उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, इसलिए केंद्र से जो है बहुत सारे पैसे लेकर आई जो काम हम करवा पाए, नहीं तो इन्होंने तो बिल्कुल हमारे को जो है ख़त्म करने की सोची थी। इनकी तो मंशा ये थी कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, जिस वृक्ष से ये पौधा निकला था उसी वृक्ष को जो है ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जानते नहीं हैं कि उस वृक्ष की जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, पूरे हरियाणा में हैं, और जिसके कारण जो है ये 2005 के अंदर जो है सत्ता के अंदर आए थे। और अब जो है आने वाले समय में इनको खुद समझ आ जाएगी कि ये जो है बाबू बेटा पार्टी सारे लोग जान चुके हैं। आने वाले समय में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जनता के हित के काम आगे करे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.